अगर आपके पास एक मैक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक मैक के ऊपर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स करके आपका वर्क फ्लो को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आज ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इमेजेस को लेकर देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक फोटो है और ये फोटो मेरी है आई लव के नाम से, तो ये मैंने प्रिव्यू के अंदर अभी खोली है। अब सपोज करो मुझे इसकी साइज को डिक्रीज करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर एक मार्कअप का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लो, इसके अंदर आपको मिलेगा एडजस्ट साइज, इसको टिक करने के बाद आप नीचे डिटेल्स में आप देखोगे 100% फोटो है 919 किलोबाइट्स की, तो यहां पे मैं सिंपली यहां पे जो विड्थ है इसकी ये रिड्यूस कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली 15। मेक श्योर कि आप यहां पे स्केल प्रोपोर्शनली को चेक मार्क ऑन रखो, तो इससे आपकी फोटो का साइज एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो बस आप इस यहां पे साइज कम कर दो और अब देखोगे आप 800 से डिक्रीज होके सिर्फ रह गई 543 के बी। ओके कर दो, आपका फोटो का साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और आप देखोगे बहुत ज्यादा कोई क्वालिटी लॉस हुई नहीं। इसके बाद कंट्रोल एस, आपकी फोटो सेव हो गई, और ये तब काम आएगा जब आप किसी वेबसाइट पे अपलोड करनी हो आपको फोटो, जहां पे अपलोड साइज काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो। फोटोज की बात चलिए तो नेक्स्ट चीज भी फोटो से रिलेटेड है। सपोज ये बहुत सारी फोटोज है मेरे पास, सबको सिलेक्ट कर लो जितनी आप चाहते हो, राइट क्लिक करो और इसके बाद क्विक एक्शंस में आपको मिलेगा क्रिएट पीडीएफ। ये क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपकी एक पीडीएफ नाम की फाइल यहाँ पे बन गई है, और इसको आप खोल के देखोगे तो आप देखोगे एक पीडीएफ है जिसके अंदर आपकी सारी इमेजेस यहाँ पे बैक टू बैक आ गई हैं। अब इस वाली पीडीएफ के अंदर आप दुनिया भर की एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो, मार्किंग करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा काम आ सकता है कि आपको सारी फोटोज का एक पीडीएफ बना के भेजना हो, एक क्लिक से काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है स्प्लिट स्क्रीन। सपोज करो आपके बहुत सारे टैब्स ओपन है, तो आप किसी भी एक टैब के ऊपर चले जाओ, जो मैक्सिमाइज वाला ग्रीन बटन है वहां पे कर्सर को ले जाओ, क्लिक मत करना, और 2 सेकंड के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, टाइल विंडो टू द लेफ्ट ऑफ स्क्रीन या फिर टाइल विंडो टू द राइट ऑफ स्क्रीन, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, आप देखोगे कि आपका मैक जो है स्प्लिट स्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब राइट साइड में सपोज ये दूसरे वाले ऑप्शन हैं जो छोटे छोटे हैं, तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, तो ये हो गया। इसके बाद आपको काम आएंगे ये 3 उंगलियां, अगर आप ट्रैक पैड पे चलाओगे तो आपके बाकी के जो चीजें हैं उसको भी आप इसी तरीके से मैनेज कर पाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये वाला कर दिया और इसके बाद ये, तो अब 3 उंगलियों से मैं देख रहा हूँ, तो 4, 6, 8 जितनी आप ऐप्स को चाहो हाफ हाफ स्क्रीन में, स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। जब भी हम मैक का फाइंडर यूज़ करते हैं तो हमको प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि एक्चुअली में डायरेक्टरी है क्या, जैसे विंडोज़ में होता है। चिंता मत करो, एक सिंगल सा ऊपर व्यू का बटन है, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है शो पाथ बार, इसको सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जाके शो स्टेटस बार सिलेक्ट कर लो। अब आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको एक बार तो पूरा का पूरा मिल गया, जो डायरेक्टरी दिखा रहा है कि एक्यूरेट आपकी डायरेक्टरी कौन सी है जहाँ पे आप अभी हो, उसके बाद नीचे आपको स्पेस दिखा रहा है कि कितनी स्पेस है आपके मैक के अंदर, काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और सिंपली अगर हमको रीडायरेक्ट होना है किसी और फोल्डर पे तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से ही हो सकते हैं। मैक में ऊपर बैटरी का साइन तो आता है लेकिन वहां पे परसेंटेज नहीं आता है, चिंता मत करो वो भी आ जाता है सिस्टम प्रेफरेंसेस में। और यहां पे आपको मिल जाएगा डॉक एंड मेन्यू बार, इसके अंदर आप जाओगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, बैटरी मिलेगा, यहां पे सिलेक्ट कर लो शो परसेंटेज। अब आपकी बैटरी परसेंटेज क्लियरली विजिबल हो गई, तो आप इजीली एस्टिमेट कर पाओगे कि कितनी देर और काम चल जाएगा। इतना ही नहीं, जो ऊपर मेन्यू बार है जहां पे सारी की सारी यहां पे आइकन आते हैं इंक्लूडिंग द बैटरी, इनको भी आप रीअरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सिर्फ करना यह है कि कमांड का बटन दबा दो और उसके बाद इस तीन चीजों को आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, काफी कस्टमाइजेशन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता हो, फाइंडर खोलो, फाइंडर की प्रेफरेंसेस में चले जाओ और यहां पे जनरल टैब के अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर्स इन टैब्स इंस्टेड ऑफ न्यू विंडोज, इसको चेकबॉक्स कर लो, क्योंकि जब नया मैक होता है तो बार बार नए नए विंडोज खुलते जाते हैं, बड़ा इरिटेटिंग लगता है, ये कर लेना बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। इसके बाद एडवांस टैब में जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वाइल परफॉर्मिंग अ सर्च, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो करंट फोल्डर। अब क्या होगा कि अगर आप इस फोल्डर में हो तो यहाँ पे सर्च करोगे, तो सपोज करो आपने ADR या कुछ भी सर्च करा तो उसी डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ही सर्च करेगा, नहीं तो यूजुअली क्या होता है पूरे मैक की सर्च बता देता है, काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है। इसके बाद एक इरिटेटिंग चीज हो सकती है जो कि फाइल ड्रॉप है। सपोज करो 2 फोल्डर्स के बीच में आपको फाइल्स इधर से उधर ड्रॉप करनी है, तो सपोज करो मैंने ये 3 फाइल्स पकड़ ली, मुझे यहाँ ये ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे तीनों को फाइल्स को सिलेक्ट करा
और इनको यहाँ पे ले आया, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे किसी ना किसी फोल्डर के अंदर चली जाएगी। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इसका एक सिंपल सा वर्क अराउंड ये है कि आप यहाँ लेफ्ट की जगह राइट पे ले आओ माउस और बस यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दो, आपके मेन फोल्डर के अंदर ही फाइल्स ड्रॉप हो जाएंगी। है ना इंटरेस्टिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैक ले लिया या लेने का सोच रहे हैं लेकिन एमएस ऑफिस पे आके अटक जाते हैं, यार एमएस ऑफिस यहाँ पे पेड चलाना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी एमएस ऑफिस इनबिल्ट है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री लाइसेंस्ड वर्जन। कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे तीन ऐप्स हैं जिनका नाम है, पहली है पेजेस जो कि आपका पूरा एमएस वर्ड का काम करती है। चिंता मत करो, अगर आपकी डॉक्स फाइल है तो यहाँ पे आप सारी वर्किंग करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो डॉक्स फाइल के अंदर। इवन अगर आपके पास कोई डॉक्स फाइल आई है आपके क्लाइंट से या ऑफिस से तो वो भी इसके अंदर परफेक्टली वर्क करेगी। इसी तरीके से एक्सेल के लिए ऐप का नाम है नंबर्स जो कि इनबिल्ट ही आती है, सेम है एक्सेल की तरह ही काम करती है। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट आप करते हो तो एक्सेलएस फाइल की तरह हो सकती है और इवन आप कोई एक्सेलएस फाइल यहाँ पे खोल के उसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हो। सेम पावर पॉइंट के लिए उसकी ऐप का नाम है कीनोट। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंटेशंस आप बना के पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर लो या वहाँ से मंगा लो, हो गया एमएस ऑफिस का काम। अब मैक की जो ऑप्शन की होती है ना वो बहुत सारे काम निकाल के देती है। सबसे पहले अगर आप फाइंडर में जाओगे, कोई भी आपकी फाइल है या मैं कहता हूँ फोल्डर है, किसी भी फोल्डर पे जाओ, ऑप्शन की दबाओ और उसको ड्रैग करके नीचे ले जाके या कहीं भी ऊपर ले जाके छोड़ दो, आप देखोगे कि उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बन गई है, कॉपी पेस्ट ऑप्शन की। इसके बाद अगर आप कोई भी फोल्डर पे कमांड और ऑप्शन दबा के इसको ड्रैग करते हो और फिर छोड़ते हो तो आप देखोगे कि इस फोल्डर का यहाँ पे एलियास बन गया और इस फोल्डर को आप कहीं पे भी ले जाके छोड़ सकते हो, इवन अपने डॉक पे भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा काम जब आपको रीडायरेक्शन चाहिए हो मेन फोल्डर से नहीं बल्कि एक एलियास से। सपोज करो आपको फाइंडर के अंदर कुछ इस तरीके की यहाँ पे है, एक के अंदर एक काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं जैसे कि ड्राइवर किट, उसके अंदर रन टाइम, फिर उसके अंदर सिस्टम। तो यहाँ तो आप एक एक करके खोल लो या फिर एक सिंपल सा ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन की दबाओ और उसके बाद एक बार सिंगल क्लिक कर दो, जितनी भी अंदर डायरेक्टरीज होंगी सारी एक एक फाइल आपको सामने सिंगल क्लिक में डिस्प्ले हो जाएगी। इवन अगर आप ऊपर गो पे सिलेक्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन जब आप जैसे ही ऑप्शन की दबा दोगे तो एक लाइब्रेरी का ऑप्शन निकल के आ जाएगा जो कि हिडन रहता है और जब आप क्लिक करोगे तभी दिखेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि काफ़ी सारे एप्पल के जो सपोर्ट पेजेस होते हैं वहाँ पे डायरेक्टरी के लिए दिया होता है कि लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग फोल्डर्स दिए होते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये एक छोटा सा ट्वीक है लाइब्रेरी में पहुँचने का। इतना ही नहीं, अगर आपको लाइब्रेरी को साइड बार में डालना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट रख लो, ऊपर फाइल में जाओ और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू साइड बार। अब आपके यहाँ वाले साइड बार के अंदर हमेशा के लिए ऐड हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑप्शन के बटन के साथ क्या है कि जब भी आपके मल्टीपल टैब्स खुले होंगे आप किसी भी एक बार लाल बटन पे चले जाओ और उसके बाद ऑप्शन का की दबा के उसको क्लोज करोगे तो आप देखोगे सेम कैटेगरी के सारे बॉक्सेस एक ही बार में बंद हो जाएंगे। मुझे बड़ा आनंद आया ये देख के। अब आप अभी के लिए अगर एक विंडोज पीसी या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें दो बटन होते हैं, बैकस्पेस और डिलीट। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिलीट का बटन होता है जो कि विंडोज के बैकस्पेस की तरह काम करता है, लेकिन अगर आपको विंडोज का डिलीट वाला फंक्शन चाहिए मैक के ऊपर, मतलब कि स्टार्टिंग से डिलीशन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप जहां से भी आपको डिलीट करना है वहां पे चले जाओ, फंक्शन की दबाओ और उसके बाद डिलीट बटन दबाना स्टार्ट करो, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। इवन अगर आप किसी भी लेटर को लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको काफी सारे उसके दूसरे तरीके के जो डिजाइनदार वाले होते हैं वो सारे आ जाएंगे और आप उसको वहां से यूज कर सकते हो। हर लेटर के लिए अवेलेबल है, बढ़िया है। आपको डिजाइनदार लैंग्वेज लिखनी हो तो वो लिखो। इवन अगर स्माइलीज लगाने हैं तो कमांड कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो आपका स्माइली वाला बार खुल जाएगा जिसके अंदर सर्च बार भी है, मतलब क्राई लिखोगे तो रोने वाले सारे आ जाएंगे, हैप्पी, मतलब सारी की सारी कीवर्डिंग हो रखी है ऑलरेडी। सिर्फ लिखो आपको क्या चाहिए जिससे आपके ईमेल्स और टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स और ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाएंगे। अगर आपका डेस्कटॉप मेरी तरह ही यहां पे ऐसे बड़ा अनटाइडी सा रहता है तो एक सिंपल सी तरीका बताता हूं, राइट क्लिक करो और बटन दबा दो यूज टैग्स। एक सिंगल क्लिक में आपका पूरा डेस्कटॉप नीट एंड क्लीन हो गया, वो भी क्लासिफाइड तरीके से। जो लास्ट ट्रिक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सपोज करो जैसे कि फाइंडर है, बहुत सारे खुले हुए हैं, कोई कहीं फोल्डर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग कर रहे हैं, कभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका भी एक बड़ा ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, बड़ा ईजी है। ऊपर जाओ विंडोज पे और बटन दबा दो मर्ज ऑल विंडोज। अब आप देखोगे आपके एक ही फाइंडर के अंदर तीनों अलग अलग
टैब्स खुल गए हैं जो आपके तीनों अलग अलग डेस्कटॉप्स थे, है ना इंटरेस्टिंग। कैसे लगे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आपको कितने पता थे, कितने नए पता चले सारी चीजें बताना, साथ में अपने मैक वाले दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपको इसके अलावा और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई लव टू ट्राई देम। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।